हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? और सुबह सुबह का मौसम है, सुबह नींद से उठ के आके मैं थोड़ा बालकनी में खड़ी रहती हूँ, थोड़ा अच्छा सा वेदर दिखता है, सब लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो चल रही है, सुबह के 6 बज गए हैं और अब टिफ़िन बनाने के लिए चले जाते हैं किचन में। और देखिए आज मैं क्या टिफ़िन में रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है, मैदा यूज़ नहीं करती हूँ मैं टिफ़िन में, अगर कभी कुछ देना होता है तो यहाँ पे 2 कप आटा ले लिया है। उसमें मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी चीनी, 1 टीस्पून जितनी चीनी, और 1/2 टीस्पून मैंने दे दिया है यहाँ पे बेकिंग पाउडर, और 1 पिंच जितना मैंने दे दिया है बेकिंग सोडा। तो आज मैं आपको आटे की नान बना के दिखाऊंगी और वो खाने में इतनी सॉफ्ट रहती है, और जब टिफ़िन में भी दिया जाता है तो जब वो लंच करेंगे ना तभी भी वो वैसे ही सॉफ्ट रहेगी। और फिर इसमें मैंने 1/2 कप दे दिया है दही। तो दही के साथ पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसे हमें मैंने मीडियम आटा गूंदना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं, ज़्यादा नरम भी नहीं, क्योंकि मीडियम गूंदेंगे ना तो जब हम उसे बेलेंगे ना उस टाइम पे वो वैसा ही नरम हो जाएगा। और ये सुबह सुबह का टाइम इतना हेक्टिक होता है ना, मैंने बस मेरी नज़र पूरा टाइम थोड़ी थोड़ी देर बस घड़ी पर ही रहती है, कितना बज गया, वेद का उठने का टाइम हो गया है कि वेद को ये करवाना है, उससे पहले ही मेरा टिफ़िन बन जाए, क्योंकि टिफ़िन बन जाएगा और वेद उठ जाएगा, तो मैंने टिफ़िन नहीं बना और वेद उठ गया बीच में तो फिर और एक झमेला हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उसके उठने से पहले मैं अपना टिफ़िन बनाकर एकदम पैक वैक करके रख दूँ कि बाद में मैं उसके लिए पूरा टाइम मैंने दे सकूँ उसको, जो जो ज़रूरत होती है या फिर जो जो करना रहता है वो। तो यहाँ पे आटा अच्छे से गूंद गया है और फिर अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूँगी आटे पे, और तेल डाल के इसे और भी अच्छे से थोड़ा गूंद के रख देंगे। और अब इसे 10 मिनट के लिए, जब तक सब्जी चढ़ा देते तब तक इसे ढक के साइड में रख देते हैं। तब सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है कैप्सिकम, प्याज। तो आज मैं कैप्सिकम और प्याज की सब्जी बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर जिस दिन डेली तो कोई ना कोई सब्जी लेते ही है, मैंने कुछ भी दाल ले ली, कभी कभी कोई सब्जी ले ली, तो डेली वो वैसी सब्जी लेने में और अच्छा भी नहीं लगता है। तो किसी दिन अगर आपके घर पे कोई भी सब्जी ना हो तो आप सिर्फ ये कैप्सिकम और प्याज की सब्जी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और ये आटे वाली नान बनाई है उसके साथ, बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन है इसका। तो यहाँ पे मिर्ची मैंने ऐसे बड़ी बड़ी काट ली है, शिमला मिर्च, और प्याज के टुकड़े भी ऐसे 1/2 इंच 1/2 के 1/2 कर दिए है, और ऐसे बस बड़े बड़े जो पेटल्स है इसके, प्याज की जो कलियाँ हैं ऐसे खोल दे रहे, और बाकी जो नीचे की तरफ अंदर की साइड में जो रह जा रहा है वो मैं प्याज को जब ये तड़का दूंगी, मसाला बनाऊंगी, तो वो सब्जी के मसाले में मैं वो प्याज डाल दूंगी, इसलिए वो मैंने साइड में रख दिया। और जो बड़ी बड़ी कलियाँ खुल के आ रही है वो मैं ये शिमला मिर्च और ये प्याज के साथ रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई में दे दिया है सरसों का तेल, और सरसों के तेल में ही हम लोग पूरा खाना बनाते हैं, डेली का यूज़ हमारा सरसों का तेल ही होता है। तो उसी में मैं प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से भून लेती हूँ, और आपने ये हाई फ्लेम में करना है, क्योंकि हाई फ्लेम में क्या होगा, जो उसका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो हमारी प्याज और शिमला मिर्च है वो एकदम मैंने क्रंची रहेंगे, नरम नहीं होंगे। और अगर आप कम लो फ्लेम में करते हैं तो वो नरम हो जाएगा पानी में से, और वो क्रंचीनेस इसमें रहेगी नहीं, शिमला मिर्च और प्याज में। तो ये अच्छे से मैंने भून लिया है, अब वापस से मैं और 2 टेबलस्पून जितना तेल ले रही हूँ, और फिर उसमें हम लोग डाल देंगे तड़के में सौंफ, और सौंफ के बाद डाल देंगे प्याज जो मैंने चॉप कर लिया था, और अब इन्हें अच्छे से भून लेते हैं, प्याज को पहले अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से भून गई है, हमें एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, पर लाइटिश पिंक कलर, जब प्याज का कलर चेंज हो जाए उस टाइम पे मैं अब इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून जितना बेसन। तो बेसन को भी डाल लेंगे और फिर बेसन डाल के भी इसे अच्छे से भून लेंगे कि प्याज और बेसन और भी अच्छी तरह से दोनों ही भून जाए। और ये पूरा प्रोसेस आपने लो फ्लेम पे करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम अभी मत कीजिएगा। तो यहाँ पे बेसन भी अच्छी तरह भुन गया है,
अब इसके बाद बारी आएगी हम अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट नहीं किया है उसे ग्रेट करके मैंने वो जो सिलनोड़े का जो पत्थर होता है उससे मैंने कूट लिया है, तो कूटी हुई अदरक और लहसुन उसे मैंने डाल दिया है, तो इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। और आप देख सकते हैं कि एकदम तेल ज़्यादा मैंने दिया ही नहीं है क्योंकि तेल एकदम उसने ऑब्जर्व कर लिया है, बेसन ने, प्याज ने, अदरक लहसुन ने, और इतना तेल भी नहीं है। और साथ ही में मैंने टमाटर को भी चॉपर में चॉप कर दिया था कि वो कूट कर मैंने काट कर देंगे तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा पकने में, और ये चॉपर में चॉप करके देंगे तो जल्दी वो पक भी जाएंगे, गल भी जाएंगे। उसी के साथ हमारे जो बेसिक से मसाले हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, वो मैंने इसमें दे दिया है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चॉपर में थोड़ा सा पानी डाल के इस सब्जी में दे देते हैं कि जो हमारे सारे मसाले वो अच्छे से भून जाए, टमाटर भी अच्छे से भून जाए। तो अब इसे हम लोग 10 मिनट के लिए एकदम ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद ढक्कन उठा के देखते हैं, यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल गए हैं, सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, और थोड़ा भूनने देते कि पानी कम हो जाए मसालों में से। और अब यहाँ पे मैंने क्या किया था कि वो वापस दही को और एक कटोरी में दो और एक बर्तन में वो उसे मिक्स करो, मैंने इसे चॉपर में ही मिला लिया था दही को, तो वो दही भी अच्छे से मिक्स हो गई थी। और अब दही डालने के बाद आपने बिल्कुल भी गैस मैंने फास्ट नहीं करना है और चम्मच एकदम भी हिलाना बंद नहीं करना है, हिलाते ही रहना है। हिलाते हिलाते आप देखेंगे कि दही ने एकदम तेल छोड़ दिया है, दही भी अच्छे से भुन गई है। तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, इसमें जो शिमला मिर्च है, प्याज है, ये सब दे देंगे और फिर इसके अंदर हम लोग जो कसूरी मेथी है वो दे देंगे, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके जो बचा हुआ दही का पानी है और थोड़ा सा और गर्म पानी मैंने ऐड किया है, अगर क्योंकि मेरे हस्बैंड को सूखी सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उन्हें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो ये जो कंसिस्टेंसी है इतनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। तो बस अभी इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें दे देंगे। सब्जी अच्छे से उबल गई है, सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, जो शिमला मिर्च थी हमारी, कैप्सिकम, जो प्याज थे वो मसालों के साथ अच्छे से मिल गुल गए हैं। तो अब यहाँ पे सब्जी बनाना हो गया है मेरा, एकदम मैंने गरम मसाला डाल दिया है तो सब्जी बन गई है। और अब हम बना लेते हैं नान। तो सब्जी को मैंने क्या किया है, ढक के रख दिया है गरम मसाला देने के बाद, जो गरम मसाला है वो पूरी सब्जी में अच्छे से मिल जाए उसकी जो खुशबू है। और अब बना लेते हैं हम नान। तो इसलिए एक मैंने एक आटे का एक पेड़ा काट लिया है और इसे हम अब अच्छे से ओवल शेप में भी आप बेल सकते हैं, गोल भी बेल सकते हैं, जो शेप पसंद है आप वो शेप में बेलिए, कोई ये नहीं है मैंने ये कंपलसरी हमें यही शेप हमें करना है ऐसा कुछ नहीं है, मैं ओवल शेप में ही कर ले रही हूँ। और मैंने थोड़ा सूखा आटा बेलने के लिए सूखा आटा लगा लिया है। और सूखा आटा लगाने के बाद हमें क्या करना है, एक साइड हमें इसे पानी लगाना है, वो ज़्यादातर आजकल सभी को ही पता है कि जब हम नान बनाते हैं तो हमें एक साइड इसमें पानी लगाना रहता है। तो बस पानी लगाकर ही मैं यहाँ पर तवे पे मैंने नान को दे दिया है एक साइड पानी लगा के, और आप देख सकते हैं नान कितनी अच्छी तरह फूल रहा है। और ये जब नीचे की साइड ऐसे हो जाए तो आपने उल्टा करके क्या करना है, दूसरी साइड को भी गैस पे अच्छे से सेक लेना है। और आप देख सकते हैं कि नान कितने अच्छे से फूला है। और इसी पे मैं थोड़ा भी गरम, मैंने बटर ठंडा है तो मैंने गरम नान पे ही बटर डाल दिया है, तो हम थोड़ा बटर डाल के अब इस नान को हटा देंगे, साइड में रख देंगे दूसरी प्लेट में। तब नान क्या होगा कि वो अच्छे से सॉफ्ट रहेगी, जब तक दोपहर में जब ये लंच भी करेंगे तभी भी नान सॉफ्ट ही रहेगी और ज़्यादा सख्त भी नहीं रहेगी। मैंने वैसे ये नान वैसे हार्ड होगी नहीं क्योंकि हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर प्लस हमने इसमें दही डाला है, तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। तो अब टाइम आ जाता है टिफ़िन पैक करने का, तो यहाँ पर मैं टिफ़िन पैक कर लेती हूँ इनका। तो सबसे पहले हम सब्जी डाल देंगे जो इतनी अच्छी टेम्पटिंग सब्जी बनाई है वो। तो सब्जी पैक कर दी
और ऑडी के यूनी रैप में मैं ये नान पैक कर दे रही हूँ। नान को मैंने क्या है बीच में से हाफ काट दिया है, तो यहाँ पे तीन पीस है, वहाँ पे तीन पीस है, ऐसे करके मैं डब्बे में इनके पैक कर दूंगी। और ये ऑडी के यूनी रैप में देने से क्या होगा, वो गर्म भी रहेंगे और सौगी भी नहीं होंगे। और साथ ही में इसमें मैंने दे दिया इनको ककड़ी आज, और ये हो गया टिफिन पैक। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।